बार स्विंग हो जाना, बार बार उतार चढ़ाव आना, ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब मूड सही है कब खराब हो गया, और आपका इसके कारण से वजन बढ़ जाना या वजन का गिर जाना तुरंत, ये इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और जैसे कि बताया गया थायराइड हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, इसके कारण से असंतुलित हो जाते हैं, तो इसके चलते आपको बीमारी हो सकती है। अगर इसको लंबे समय से रखा गया तो बीमारी आपको ज्यादा हो सकती है। इसके जो कोजेस है इसके क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, ये काफी लोग लेकिन जेनेटिक भी हो सकता है, ब्रेन इसको इस ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, केमिस्ट्री जो बोलते हैं, पोर न्यूट्रिशन, यस ये एक जबरदस्त लगा मुझे, पोर न्यूट्रिशन। हमारे जो परिवार में हम जो खाना खा रहे हैं वही हमें खा रहे हैं, उसको पता नहीं ना क्या है इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या नहीं है। पोर न्यूट्रिशन फिजिकल हेल्थ इशू भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे कुछ हो गई है कि वो हमेशा बेड में ही है, तो वो क्या है फिजिकल हेल्थ इशू से डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब मैं इसकी प्रॉब्लम मुझे आई थी तो मैं बिल्कुल बेड था, नीचे मुझे 6 महीने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला गया था, और उस समय मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं शायद कभी चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, मैं कभी क्रिकेट खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, इतना सारा मुझे हेल्थ इशू हो गया था, और वो डिप्रेशन का एक मेरा दौर था, डिप्रेशन का दौर था जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और ड्रग्स जैसे बोलते हैं कि मैं मेडिसिन डॉक्टर दवाई देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट होगा, और ज्यादा दवाई लेने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दवाई लेते हैं तो उससे स्टेरॉइड ज्यादा होता है जिस वजह से आपको बढ़ना शुरू होता है, और वो भी एक नुकसान का कारण है। स्ट्रेस, यस बिल्कुल, स्ट्रेस अगर आपको ज्यादा ले रहे हो वो भी एक आपका डिप्रेशन लेके आता है। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, कोई भी कंपनी में जॉब कर रहा है, जो भी तरह का स्ट्रेस होता है उससे भी अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस रहते हो तो वो डिप्रेशन कारण बनता है। डिप्रेशन के कारण से काफी सारी बीमारियां मोटा तौर में मेन कारण है। डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन होता क्यों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कोई किसी कोई दुर्घटना में हो गया तो उनका परिवार सबको सदस्य चला जाता है, तो वो सदस्य जाने से रिलेटिव हो जाना है अपने आप में एक बड़ा अभिशाप वैसे तो, कि परिवार को एक हिस्सा चला जाता है, और उसके बारे में सोचना पहले महीने दो महीने तीन महीने अगर उसको कंटिन्यू आपने सोचते चले गए, 1-2 साल में गुजार दिया, 3 साल में गुजार दिया, तो वो डिप्रेशन एक कितना हाई लेवल पर रहता है कि उसका आदमी अपने आप को भूल जाता है कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, वो आदमी फिर डिप्रेशन में शिकार हो गए अपने आप को खत्म कर। हार्ट डिजीज की बीमारी हो सकती है, सर दर्द, माइग्रेन, ये सारी अब
कब्ज की शिकायत इससे रह सकती है। काफी लोगों को देखा होगा तुरंत जैसे डिप्रेशन में जाते हैं तो उसको कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसमें मतलब इतने सारे रोग लेके आता है डिप्रेशन, आदमी अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। बस काफी सारे देखा होगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब की होता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ता है। काफी चार चार पांच पांच दिन तक नींद ना आना ये भी एक इसका बड़ा मुख्य कारण है। तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक है, वो अकेले में कुछ भी कर सकता है। अपने आप को बार बार वो खत्म करने की सोचता है ना, तो वो चीजें बिल्कुल ना रहने दे, उसको अकेले बिल्कुल ना रहने दे। और अपने लिए बिल्कुल हमेशा बड़ा वो करे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, डेली अपने चार पांच वर्ड ये बोलना चाहिए, भगवान थैंक यू मुझे आपने जीवन दिया है। सुबह उठ के उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मैं जीता हूँ, नहीं तो काफी लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर तक के भी ऐसे रिजल्ट है जो अभी देखा 16,000 डॉक्टर ने सर्जरी करी है और वो सुबह उठ नहीं पाए, कोई ना कोई स्ट्रेस उनके मन में रहा है जिस वजह से उठ नहीं पाए। और सुबह शाम टहलने का एक रीजन बनाइए अपने दोस्त के साथ, अपने बच्चों के साथ सुबह शाम टहलना शुरू कीजिए। सच में आप देखेंगे आपके अंदर कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अपने काम में व्यस्त रहे, काम में व्यस्त रहना जरूरी है। टीचिंग हो या एक क्लास है, ये भी अपने आप में मतलब यहाँ पे आप रह के अपने आप को बिजी कर रहे हो, है ना। आपका एक क्लब आ रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, अपने आपको आगे आप डिप्रेशन से निकाल रहे हो, बहुत बड़ा है। कभी भी गाने इस तरह के ना सुने जिससे आपको डिप्रेशन आए, उदासी भरे गाने बिल्कुल भी ना सुने, स्टेटस पे तो बिल्कुल ना लगाए। आपको देख के दूसरे वाला बंदा और सोचता है पता नहीं क्या हो गया, स्टेटस पे बिल्कुल भी डिप्रेस वाली चीजें बिल्कुल ना लगाए। इतना बार बार और अपने आप को दुखी करना, रोते हुए रहना हमेशा, कभी भी ठीक रहना कि मुझे रोना है, ये करना है, मेरे ये हो गया मैं, और जो हो चुका उसको भूल जाइए, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कुछ कर सकते हो तो उसके लिए वेलकम है, थेरेपी कर सकते हैं अगर आप रोक सकते हो तो। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो तो उसके लिए बिल्कुल आप आगे बढ़ाइए, और जो हो चुका उसको भूल जाइए आप, क्योंकि वो अगर भूलेंगे तो आप और अपने आप को बेटर कर पाएंगे। योग का सहारा लें, योग हमेशा जरूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुने, तो काफी सारी चीजें आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और रात को सोने से पहले कम से कम एक घंटा टीवी मोबाइल को अपने साइड में रख दीजिए, बिल्कुल भी अपने पैर से कम से कम 5 फुट की दूरी पर रखे, और सुबह उठने में भी इजी हो जाए आप और सोने में भी इजी हो जाए। तो ये सारी चीजें इंटरनेट का उपयोग सही करना है, क्योंकि मैंने बताया इंटरनेट एक ऐसी बीमारी भी है, आप बीमार हो सकते हो और सही भी हो सकते हो। तो जो घर में जो चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें घर के लिए क्या करना चाहिए हमको, उसको लिए बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। कितने लोग अपनी बोतल के साथ बैठे हुए हैं, बोतल सर बताते हैं कि बोतल हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, वो डिप्रेस को कम करता है। सच हर हमें लेना चाहिए विटामिन 100 मिनरल 100, वो सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करें, बहुत आपको इफेक्टिव महसूस होगा, आपका मूड एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और एक इसके अंदर चकुंदर पिट रूट के नाम से, बहुत जबरदस्त बदलाव आता है। आप इसको अपने डेली जो आप सलाद लेते हैं उसमें डेली एक चकुंदर खाने की हैबिट डाल दीजिए, सच में आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर ही आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम इसके अंदर होता है जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारी चीजें टमाटर, कितने लोग टमाटर का यूज करते हैं ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताएंगे, टमाटर में कितना जबरदस्त यस रोहित जी का एड्रेस है, सच में टमाटर जब आप खाएंगे ना आपका एकदम वेरी गुड टमाटर वेरी गुड। देखा जी देखता हूँ मैंने फोटो डालते मेरे पास, तो टमाटर को अपने जीवन में अपना लीजिए कि एक टमाटर है दो टमाटर मुझे डेली खाने हैं। और जंक फूड वगैरह है अगर ये खाते तो इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यस बताए जंक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें, नमक का सेवन बहुत कम मात्रा में करें, 20 मिलीग्राम की आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे की वो आप यूज करें। मांसाहारी और बासी भोजन का आज से बहिष्कार कर लीजिए कि मुझे नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। और धूम्रपान वगैरह जो करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो बिल्कुल से आप कैफीन युक्त जीवन जीजिए, चाय कॉफी का अधिक सेवन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो ये आप उठ के अच्छा हल्का फुल आप व्यायाम कीजिए, जैसे कि हम बताया गया कि आपको डेली आधे घंटे जो एक्सरसाइज जो भी है वो यहाँ पे आगे आप कर सकते हो, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। सुबह उठने की आदत डाल लीजिए, सुबह जब जल्दी उठेंगे तो ऐसी हो जाएगा आपके लिए। और 5 से 10 मिनट मेडिटेशन बताया मैंने, 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भगवान का नाम लीजिए, अपने श्वासों में ध्यान दीजिए, आप सच में बहुत अच्छे होने वाले हैं।
ये एक ऐसी चीज होती है, आपका कोच आपकी हेल्प कर सकता है। आपको क्या करना है, जब आप अपने आप पे श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, सच में आप एकदम सही होते चले जाएंगे। क्योंकि श्वास ही है प्राण शक्ति हमारे अंदर जो चल रहा है ना, श्वास जिससे निकल गया ये मिट्टी है, श्वास जिससे निकल गया मिट्टी है। हम श्वासों पे ध्यान कभी देते नहीं है, वो श्वास का आना जाना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। वो जिस दिन निकल गया वो मिट्टी है, लेकिन उसका गुणगान कोई नहीं करता, तो उसका गुणगान कीजिए। आती जाती श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आप सच में देखेंगे आपके अंदर बदलाव, आपके शरीर के अंदर बदलाव, आपके जो जो हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर बदलाव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और कुछ ये परिणाम है उसका, आप डेली बेसिस पे भुजंगासन है, मदासन है, हदासन, सूर्य नमस्कार और मुक्तासन, सर्वांगासन, इनको करेंगे, सच में आपके अंदर एक बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और 21 जून आ रहा है दोस्तों, 21 जून योगा डे आ रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हम मिलने वाले हैं। और मैं एक बार थैंक करना चाहूंगा भारत सरकार, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।